फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो हम लोग ऑडियो लेक्चर हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें आप लोग करेंगे आज यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सिकंदर के हमले में उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। मतलब जिस समय सिकंदर ने हमला किया, उस समय उत्तर भारत पर किसका साम्राज्य था। तो उस समय नंद वंश का साम्राज्य था। कौन मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ये था धनानंद, जो महाराजा सिकंदर का समकालीन था। अब दो कथन मैं दूंगी, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। लगभग दो वर्ष के अभियान के पश्चात महाराजा सिकंदर ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ। तो इसमें ए सही है बट बी गलत है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिए थे। तो ये थे मत्सक जाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो आप सभी जानते हैं पुरु, जिसे पोरस भी कहा जाता है। कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो नहीं आया था डाइमेकस, नहीं आया था निर्याकस, आने सिक्रिटस और आस्टीबुलस तीनों भारत में आए थे। अब चलिए मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इतने क्वेश्चन यूनानी आक्रमण के लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो MPPSC हो, UPPSC हो या UKPSC हो, राजस्थान PSC हो, हर जगह पूछे गए ये क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, तो ये सबसे पुराना राजवंश मौर्य साम्राज्य का राजवंश है, जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा है, तो वह है विशाखा दत्त का। सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, तो वो की है विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से कौन सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है, किसने किया है ये, तो ये किया है जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था, तो विष्णुगुप्त के नाम से अपने बचपन में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगर अन्य नाम पूछे चाणक्य का तो आप लोग बताएंगे विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था, तो मित्र राज्य का सातवां अंग है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश दिया गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश दिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो ये किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था, तो ये लकड़ी का बना था। चलिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये बिहार PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रकामन का जूनागढ़ शिलालेख इससे प्राप्त होता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, ये रुद्रकामन के चंद्रगुप्त शिलालेख से प्राप्त होता है, प्रमाणित होता है। सेल्यूलकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग तीनों के साम्राज्य में सम्मिलित था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में उल्लेख हुआ है। भारत का प्रथम अस्पताल व औषधि बाग निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी है, इसका प्रमाण किस में मिलता है? तो देव नाम प्रिय उपाधि में मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दीप वंश और महावंश के ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। मौर्य शासक कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और दशरथ, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। चंद्रगुप्त तो जैन धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक थे, रज्जुक कहा जाता था मौर्य शासन में अधिकारी को। सार्थवा किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवा कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक भाग नहीं था। युक्त, प्रादेशिक और राजुक तीनों मौर्य प्रशासन के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? तो अशोक ने करवाया है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अमरावती, भरहूत और सारनाथ की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अब हमें इसमें मैचिंग करना है स्थान का नाम और स्मारक के बारे में। तो कौशाम्बी, मैं आंसर बताऊंगी डायरेक्ट, कौशाम्बी, घोषिता राम मठ, कुशीनगर, रानाभर स्तूप, सारनाथ, धमेघ स्तूप, श्रावस्ती, सहेत महेत स्तूप। तो ये सब आप याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों में गए थे, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया था? तो ये मार्ग बताना है। तो सबसे पहले वो गए थे गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद गए थे कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ और सारनाथ के बाद श्रावस्ती गए थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी का अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में पत्थर पर शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसका भी आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राजादेश का सबसे पहले डिसाफायर मतलब विकुटन किसने किया था? तो इसका भी जेम्स प्रिंसेप ही आंसर होगा। वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह है खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वे है प्रियदर्शी। अशोक में अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी व देव नाम प्रिय के रूप में हुआ है? तो ये अशोक का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत बताता है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग थे, ये गलत है, बाकी इन पर बढ़िया पॉलिश थी, ये अखंड है, स्तंभों पर शेफ्ट शुंडाकार है, ये तीनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभी एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मास्की अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक नाम का
उत्खनन करता है, मतलब जिसमें बताया गया है कि अशोक का नाम अशोक था। तो ये था मास्की का लघु शिला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम लिखित हुआ है? तो गुर्जरा में भी हुआ है और मास्की में भी हुआ है। अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम लिखित हुआ है, ये कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह है भ्राभु स्तंभ। काल से प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये मिली है कालसी में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो ये शिलालेख 13 में हुआ है, 13 में इन्होंने बताया है। कलिंग युद्ध का विवरण शिलालेख 13 में किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं तो। तो आप लोग को होप ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।